Hello everyone, welcome you all on Anthropology Insight classes. Okay, I'm sharing PPT. Mesolithic culture in Europe. Pranjal, is it visible? PPT? Okay. Mesolithic culture in Europe. So earlier I have told you about Paleolithic cultures, means lower, middle and upper Paleolithic culture. And now I will tell you about Mesolithic culture. As the term Mesolithic shows, that it is the culture in between the Paleolithic and Neolithic. Means Meso means middle. Middle and Lithic means Stone Age. So Middle Stone Age means that comes in between the Paleolithic and Neolithic age. Earlier only two ages stages were discovered by John Lubbock. John Lubbock ने सबसे पहले Paleolithic and Neolithic को ही बताया था कि there are only two stages Paleolithic and Neolithic. उन्होंने Lithic age को दो में divide किया था. पर बाद में हॉर्डर वेस्ट्रॉक ने एक नई स्टेज को डिस्कवर किया जिसका नाम दिया गया मीजोलिथिक. एंड दिस मीजोलिथिक वाज क्वाइंड इन 1866 बाय हॉर्डर वेस्ट्रॉक. एंड दिस मीजोलिथिक मींस मिडिल स्टोन एज. तो जनरली हम मिडिल स्टोन एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज को भी कहीं कहीं आपको बुक्स में मिडिल पैलियोलिथिक को ही मिडिल स्टोन एज मान लिया जाता है. But Mesolithic is the Middle Stone Age, while the Middle Paleolithic is Middle Old Stone Age. Okay, so this is a Mesolithic culture, and that comes in between the Paleolithic and Neolithic. Many times, इसको Epipaleolithic culture से भी इसको same माना जाता है कि Epipaleolithic and Mesolithic are same cultures. बट Epipaleolithic culture वो culture माने जाते हैं कुछ archaeologists के अनुसार जो एग्रीकल्चर स्टेज मींस नियोलिथिक तक नहीं प्रोग्रेस कर पाए, और जबकि मीजोलिथिक कल्चर जो है वो एग्रीकल्चर स्टेजेस तक वो आगे सक्सीड करता है. तो इस तरह जो है एपिपैलिथिक और मीजोलिथिक में हम अंतर देख सकते हैं. पर अक्सर आपको तमाम बुक्स में या और भी सोर्सेस में मिलेगा कि एपिपैलिथिक एंड मीजोलिथिक बोथ आर सेम. ठीक है, तो अपर पैलोथिक कल्चर जो लेट अपर पैलोथिक, जिसमें कि आपने एरिसबर्गियन कल्चर, फेडर्स मेसर कल्चर और हैम्बर्गियन, इस तरह के कल्चर्स पढ़े थे, ट्रेडिशंस पढ़े थे. और मीजोलिथिक में भी हम चार मेन ट्रेडिशंस पढ़ते हैं, एजिलियन, टार्डिनोइजियन, मैग्लिमोइजियन एंड किचन मिडन, एंड देयर इज ऑल्सो एडबोले. ओके, तो दीज आर फाइव. तो पांच मेन ट्रेडिशंस, और इसके अलावा भी यूरोप में और भी ट्रेडिशंस डिस्कवर किए गए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. तो इस तरह एजिलियन, टार्डिनोइजियन, मैग्लिमोइजियन, किचन मिडन एंड एडबोले. अब मीजोलिथिक की खासियत क्या है कि प्लिस्टोसीन एंड होते ही मीजोलिथिक कल्चर आपका शुरू हो जाता है. मीन्स इट इज इट स्टार्टेड विद द बिगनिंग ऑफ होलोसीन इपोक. तो होलोसीन इपोक, प्रांजल, या ट्रेडिशंस मींस एक निश्चित समय के दौरान जो एक विशेष टाइप के टूल, एक सिमिलर काइंड ऑफ टूल जो उस पर्टिकुलर समय में ही बनते हैं और एक किसी पर्टिकुलर प्लेस में, उन्हीं को हम ट्रेडिशंस कहते हैं. तो एक कल्चर में आपको जब जो ये आते हैं मींस कल्चर जो हम पढ़ते हैं मीजोलिथिक कल्चर, तो मीजोलिथिक कल्चर में या पैलोथिक कल्चर में हम तमाम ट्रेडिशंस की बात करते हैं. तो ट्रेडिशंस क्या है, टाइम के साथ एक निश्चित टूल टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है उसको हम ट्रेडिशंस कहते हैं. तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रेडिशंस हो सकते हैं एक कल्चर में, क्योंकि हर ट्रेडिशन में हो सकता है आपको कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस भी मिले. इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्रीज जो होती है टूल मेकिंग इंडस्ट्रीज, उसमें भी एक विशेष काइंड ऑफ टूल बनता है. तो ट्रेडिशंस को हम टूल मेकिंग इंडस्ट्री या कल्चर से सिमिलर मान सकते हैं, पर इसके अंदर ही आता है, मीन्स कल्चर के अंदर ये ट्रेडिशंस आते हैं, और ट्रेडिशंस आर इक्वल टू
टूल मेकिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें कि ट्रेडिशन में ही, एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन में ही टूल मेकिंग इंडस्ट्री आती है. ओके तो समझ में आ गया प्रांजल, इज इट क्लियर? ओके तो बता रहे थे कि मीजोलिथिक कल्चर में, मीजोलिथिक कल्चर में कैसे अचानक से एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, मींस होलोसीन इपोक स्टार्ट होते ही क्या होता है कि वार्म पीरियड अचानक से शुरू हो जाता है. इसके पहले पूरे प्लिस्टोसीन में जब हम पैलोलिथिक कल्चर पढ़ते हैं कि इट वाज ड्यूरिंग द होल प्लिस्टोसीन, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्लिस्टोसीन टू द एंड ऑफ प्लिस्टोसीन पूरा मीन्स लोअर मिडिल एंड अपर पैलोलिथिक कल्चर चलता है. और यहाँ पर होलोसीन स्टार्ट होते ही क्योंकि होलोसीन इंटरग्लेशियल है और वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वार्म हो जाती है अचानक से. तो इससे क्या होता है कि जो अभी तक जो ग्लेशियर्स थे, मींस ग्लेशियर स्टेज थी प्लिस्टोसीन में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स थे चारों ओर, ये क्या होते हैं पिघलने लग जाते हैं. दे स्टार्टेड मेल्टिंग, ग्लेशियर्स स्टार्टेड मेल्टिंग एंड देन जो वाटर लेवल है सी का वो राइज करने लगता है एंड मींस ग्लेशियर्स मेल्ट करके सी में जाते हैं और वहां पर वाटर लेवल राइज कर जाता है, जैसा कि बाल्टिक कोस्ट में वो 100 मीटर राइज कर गया था. तो दिस रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ ज्योग्राफीज. तो जब मींस चारों ओर जब बर्फ जमी है और अचानक से वहां पर पानी मींस क्योंकि वो बर्फ मेल्ट करेगी तो वाटर बनेगा, तो वाटर बॉडीज इंक्रीज कर जाती हैं. और वाटर बॉडीज इंक्रीज कर जाने से क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी प्रभावित होती है. अर्लियर जो है वो इकोनॉमी थी हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी, दैट वाज बेस्ड इन मींस कोल्ड क्लाइमेट के हिसाब से थी. वहां पर जैसे एनिमल्स होते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इकोनॉमी डेवलप की थी, वैसे ही उनकी टूल टेक्नोलॉजी थी. पर जब एनवायरमेंट चेंज होता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, वाटर बॉडीज इंक्रीज करती है, तो ह्यूमन बीइंग ने न्यू एडॉप्टेशन मींस डेवलप किया, मींस न्यू नीड्स डेवलप हुई और उन न्यू नीड्स के हिसाब से उनको न्यू एनवायरमेंट के हिसाब से उनको एडॉप्ट करना था. और इसी के लिए उन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी. और इस तरह जो है माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जिसमें कि उन्होंने स्मॉल माइक्रोलिथ्स को हाफ्टिंग टेक्निक से बिग टूल्स बनाए और कुछ वेपन्स भी बनाए. तो इस तरह देखते हैं कि अचानक से क्लाइमेटिक कंडीशन और इस तरह माइक्रोलिथ्स जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी से जो उनकी इकोनॉमी थी दैट वॉज चेंज्ड टू बर्ड हंटिंग एंड फिशिंग. तो फिशिंग टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज इंक्रीज हो गई, एक्वाटिक एनिमल्स की संख्या बढ़ने लगी, एक्वाटिक एनिमल्स की प्रेडोमिनेंस की वजह से या देयर इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्वाटिक नंबर्स एक्वाटिक एनिमल्स दे स्टार्टेड हंटिंग फिशेस एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स ड्यूरिंग द मीसोलिथिक कल्चर. एंड बिकॉज वाटर के इंक्रीज होने से फॉरेस्ट एरिया भी इंक्रीज हुआ, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो स्मॉल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी भी हंटिंग स्टार्ट हुई. तो इस तरह एक नई हंटिंग गैदरिंग टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और जो है और ये सारा कुछ क्लाइमेट पर डिपेंड करता है. मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने से नीड चेंज हुई एंड नीड चेंज होने के साथ उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी इकोनॉमी भी चेंज हो गई. अब यहाँ पर तीन स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है मीजोलिथिक में, प्री बोरियल, बोरियल एंड एटलांटिक फेज. मींस जो वेजिटेशन के हिसाब से और जो फ्लोरा फाउना वहां पर मिले उस दौरान उसके हिसाब से प्री बोरियल है, जो कि अर्ली पीरियड माना जाता है, जिसमें बर्ज पाइन वेजिटेशन स्टेज है, कोनिकल जो फॉरेस्ट एरिया डेवलप हुए. और जो अर्ली जो प्लिस्टोसीन के एनिमल्स थे, मींस मैमल्स, वूली राइनोसोर्स जो आपको प्लिस्टोसीन में मिलते थे, वो सब डिसअपीयर हो गए. बोरियल वेजिटेशन सेकेंड स्टेज आता है, जिसमें कि पाइन हेजेज स्टेज कहते हैं. ये 6500 बीसी के अकॉर्डिंग या 6500 ईयर से वो आप कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ बोरियल वेजिटेशन. और यहाँ पे वुडलैंड वेराइटीज ऑफ ट्रीज इंक्रीज हुए, हॉर्स एंड रेड डियर जो है अपीयर हुए. तो इसका ये न्यू काइंड ऑफ एनिमल्स यहाँ पर इमर्ज हुए. और अटलांटिक फेज आता है स्टेज, दैट इज अराउंड 5500 टू 3000 बीसी, और हॉर्स एंड डियर इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो हॉर्स एंड डियर यहाँ पर इंक्रीज हो जाए. तो इसका कहने का मतलब है कि जो बिग एनिमल्स
पहले कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते थे वो अब खत्म हो गए और नए काइंड ऑफ एनिमल्स यहाँ पर इमर्ज हुए, उनकी ओरिजिन हुआ और कुछ मीन्स रेंडियर्स जो है वो मूव कर गए, जो रेंडियर्स भी हुआ करते थे यहाँ पर आपके प्लेस्टोसीन एज में, वो भी मूव करके नॉर्दर्न एरियाज में। तो इस तरह हमको टेक्नोलॉजी अपनी चेंज करनी पड़ी और नए एनवायरनमेंट के हिसाब से उनकी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। With change in climate, animal life also underwent great changes. Mammoth woolly rhinoceros disappeared. Wild reindeer and musk ox moved towards the north and lived in perennial snow zone till today. Means आज भी वो आपको जो perennial snow zone है वहां पर मिलेंगे इस तरह के animals जो उस समय migrate कर गए थे वहां से। और horse and reindeer appear in the mixed forest around boreal and increase in large number during the Atlantic phase. देन इकोनॉमी, जैसा कि इकोनॉमी हमने बताया कि बिग गेम हंटिंग से ये स्मॉल गेम हंटिंग में चेंज हो गई इकोनॉमी। ओके, मल्टी स्पीशीज हंटिंग थी उससे सिंगल स्पीशीज हंटिंग शुरू हो गई और बर्ड एंड फिशिंग हंटिंग टेक्निक शुरू हो गई, इवॉल्व इन टू चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स अराउंड द वॉटर सोर्सेज, फॉरेस्ट एरियाज में स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स एंड वाटर बॉडीज में नंबर ऑफ फिशेज इंक्रीज होने की वजह से उनकी इकोनॉमी चेंज हो गई और इससे उनकी फूड हैबिट्स भी चेंज हुई। बिकॉज जो जो फूड मटेरियल होगा जो आपके आसपास के नेचुरल एनवायरमेंट में मिलेगा उसी से आपका फूड हैबिट बनती है। तो न्यू फूड कल्चर डेवलप हुआ विद द चेंज इकोनॉमी एंड चेंज इकोनॉमी नीडेड सम न्यू काइंड ऑफ टूल्स एंड दिस मीन्स न्यू नीड फॉर न्यू काइंड ऑफ टूल्स इससे ही डेवलप हुआ स्मॉल माइक्रोलेस। उन्होंने टूल बनाने शुरू किए कि जब हम छोटे एनिमल्स हैं, फिशिंग है, बर्ड हंटिंग करनी है, तो ऐसे टूल बनाए जो लंबी दूरी तक चले जाए और हमें दौड़ना भी ना पड़े, क्योंकि फिश के लिए हमें दौड़ने की जरूरत नहीं। पहले लार्ज एनिमल्स होते थे तो जो अर्ली मैन था उसको उसके पीछे भागना भी पड़ता था। अब क्या है, वो धीरे धीरे वो एक ही जगह रहकर ही अपनी इकोनॉमी कर सकते थे। तो सिडेंट्री लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो सिडेंट्री लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हुई। मीन्स एक जगह वो रहकर ये सारा कुछ कर सकते थे, अपनी पॉपुलेशन को फुलफिल कर सकते थे, उनकी नीड्स जो होती थी उनको वो पूरा कर सकते थे। तो इस तरह क्योंकि इकोनॉमी में चेंज हुआ तो उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंज हुआ, उनकी फूड हैबिट्स में चेंज हुआ और तमाम नए कल्चरल ट्रेड्स में ऐड होते गए, जैसे कि क्लोदिंग ऐड हुई। उन्होंने कुछ ऐसे मीन्स आपको वन आई नीडल बताया था कि सोलोटिन ट्रेडिशन में इसका इवोल्यूशन हो गया था और लेट एपिपैलियोथिक एंड मिसोलिथिक कल्चर में भी आपको वन आई नीडल मिलते हैं। तो इसकी वजह इससे उन्होंने शायद क्लोथ्स लाइक कुछ मीन्स आर्टिफैक्ट्स उन्होंने क्रिएट किया और उसको वो रैप करते थे अपनी बॉडी में, बेल शेप्ड रैप्स वो जिसको कि वेस्ट टू एंकल वो विमेन में मिलता है और लेकिन मेल में ऐसा कोई क्लॉथ्स का एविडेंस नहीं मिला है। तो इस तरह बिगनिंग ऑफ क्लॉदिंग हुई और सिरेमिक ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं पूरे मिसोलिथिक में, तो इसलिए इसको ए सिरेमिक कल्चर कहा जाता है, जबकि नियोलिथिक में आपको सिरेमिक पॉटरीज मिलने लगती है। आर्ट जो है वो अपर पैलिथिक में ही स्टार्ट हो गई थी, पर यहाँ पर आर्ट के उतने प्रमाण नहीं मिलते, बस मिसोलिथिक के पेंटिंग्स मिलती हैं, लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि कुछ पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स में उन्होंने बनाया होगा बोर्ड में बोन में, तो वो हमें अभी प्रमाण के रूप में नहीं मिलता है। और बाकी जो पेबल्स और उसमें उन्होंने मीन्स एनग्रेविंग या कार्विंग की थी वो पेंटेड पेबल्स के रूप में कुछ एक ट्रेडिशंस में हमें प्रमाण के रूप में मिलते हैं। तो बो एंड एरो का इन्वेंशन हुआ, बोट का इन्वेंशन हुआ और मीसोलिथिक में बोट का इन्वेंशन, बो एंड एरो का इन्वेंशन होता है, क्लॉथ्स वो स्टार्ट कर देते हैं पहनना और एनिमल डोमेस्टिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस मीसोलिथिक कल्चर। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण मिलता है हमको नटुफियन कल्चर में। नटुफियन कल्चर में पहली बार एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं और ये जो पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया ह्यूमन के द्वारा दैट वाज डॉग। और माना जाता है कि उन्होंने पहले वॉल्व्स को, जो वाइल्ड वॉल्व्स है उनको डोमेस्टिकेट किया और वही इवॉल्व हुए फाइनली डॉग में। तो इस तरह जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अनुसार पता चलता है कि जो है ये प्रांजल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो वेजिटेशन स्टेजेस थी, वो प्री बोरियल और बोरियल। ओके, हाँ,
तो यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं नाटुफियन कल्चर से. तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक द बिगनिंग ऑफ क्लॉथ. आर्ट मीन्स पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स पे देयर फॉर नो सिग्निफिकेंस एविडेंस ऑफ द आर्ट, ओनली सम केव पेंटिंग्स आर रिगार्डेड एज एविडेंसेस. देन यहाँ पर और ए सिरेमिक कल्चर बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ सिरेमिक और द पॉटरीज. देन ये एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें कि स्मॉल माइक्रोलिथ्स करते हैं, यही एडवांसमेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजी का देखते हैं, जिससे कि न्यू फिशिंग एंड हंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होती है. बर्ड हंटिंग टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल गेम हंटिंग डेवलप होती है और सिडेंटरी लाइफ स्टाइल यहाँ पर स्टार्ट होती है. टाइम पीरियड देखेंगे तो 10,000 अराउंड 10,000 ईयर्स एगो और 8,000 ईयर्स एगो ये स्टार्ट हुआ और इट एंड्स एट 3,000 ईयर्स एगो. मीन्स बिगिनिंग ऑफ होलोसिन से स्टार्ट होता है ये एंड 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 ऑफ द प्लिस्टोसिन एंड बिगनिंग ऑफ होलोसिन द मीजोलिथिक कल्चर स्टार्टेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज साउथ वेस्ट फ्रांस, नॉर्थ आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, नॉर्थ पुर्तगाल. साइट्स आर ली मास डे एजिल, ये एक साइट है एजिलियन ट्रेडिशन की. दिन ला फेरेडी एंड टार्डेनोइस जो कि टार्डेनोइसियन ट्रेडिशन, मैगलिमॉस मैगलिमोइजियन ट्रेडिशन एंड स्टार कार इज ऑल्सो मीन्स ए साइट ऑफ मैगलिमोइजियन ट्रेडिशन. देन हैबिटेट जो आते हैं मोस्टली दे लिव इन साइड द केव्स साइट्स रॉक शेल्टर्स. वो जैसा कि अभी तक आपको मिडिल पैलथिक और अपर पैलथिक में मिलता है कि वो केव साइट्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, अभी भी आपको मिजोलिथिक में भी तमाम केव साइट्स के प्रमाण मिलते हैं. लेकिन उन्होंने कुछ नए, क्योंकि उनकी सिडेंटरी लाइफ स्टाइल उनकी डेवलप हो गई थी, इसलिए उन्होंने सेमी परमानेंट या टेम्परेरी सेटलमेंट पैटर्न भी बनाने लगे, क्योंकि उनको एक जगह रहकर ये फिशिंग करनी थी या इस तरह की इकोनॉमी से वो जुड़ गए थे, तो इसलिए उनको रहना पड़ता था एक जगह, और इसलिए उनकी टेम्परेरी और सेमी परमानेंट सेटलमेंट पैटर्न उन्होंने डेवलप किए. तो इस तरह के तीनों ही टाइप के आपको यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं हैबिटेशन पैटर्न के. यहाँ पर शायद अच्छा एजिलियन और टार्डिनोइजन ट्रेडिशन स्लाइड यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, बाद में मैं आपको पीपीटी में शेयर कर दूंगी. फर्स्ट इज द एजिलियन ट्रेडिशन, यहाँ से थर्ड ट्रेडिशन से स्टार्ट हो रहा है, बट दो ट्रेडिशन इसके पहले भी है. एजिलियन ट्रेडिशन है जो कि अराउंड 10,500 बिगनिंग ऑफ होलोसीन स्टार्ट हो गया था, और डिस्ट्रीब्यूशन जिसका साउथ वेस्ट फ्रांस में ही है, और साइट्स जो है ली मास डी एजिल. तो एजिलियन ट्रेडिशन जो फर्स्ट ट्रेडिशन हम बताने वाले थे, दैट इज एजिलियन ट्रेडिशन, और इसका टाइमिंग वही है जब बिगनिंग होती है आपके इसकी क्या कहते हैं मीसोलिथिक कल्चर की, तभी ये इसका स्टार्ट होता है. मीन्स ये और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो पेरिगोडियन ट्रेडिशन था अपर पैलिथिक, उसी के बाद एजिलियन कंटिन्यू करता है. तो इस तरह हम देख सकते हैं साइट्स जैसा कि बताया है ली मास डी एजिल, इट्स अ साइट ऑफ एजिलियन ट्रेडिशन एंड द एविडेंसेस. तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एविडेंस इज एजिलियन पॉइंट, एंड एजिलियन पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू चैटेलपेरोनियन नाइफ या पेन नाइफ ब्लेड जो थे, उसी को एजिलियन पॉइंट कहा गया यहाँ पे एजिलियन ट्रेडिशन में. तो सेम वैसा ही टूल कुछ इन्होंने यहाँ पर बनाया, और जो कि पॉइंटेड स्ट्रक्चर था और ये बोन पे बनाया गया था. ठीक है, तो एजिलियन पॉइंट यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक टूल है. हार्पून्स जो कि मैंने पहले ही बनाया था कि हार्पून्स ये कुछ माइक्रोलिस हाफ्ट करके और वुडन हैंडल या बोन हैंडल पर वो इस तरह हाफ्ट करके हार्पून्स बनाते थे, जो कि एज ए टूल वो हंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था. तो यहाँ पर माइक्रोलिस का अटैचमेंट है, और माइक्रोलिस बोथ काइंड ऑफ माइक्रोलिस आर फाउंड फ्रॉम एजिलियन ट्रेडिशन, बोथ ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक. तो नॉन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों ही टाइप के आपको यहाँ पर माइक्रोलिस मिलते हैं एजिलियन ट्रेडिशन से. और ज्योमेट्रिक माइक्रोलिस में, जैसे कि मैंने कल ही अभी टूल टेक्नोलॉजी एंड टाइपोलॉजी में बताया कि ये ट्रेपीजियस, ट्रेपेजॉइड, ट्राइंगल्स एंड ल्यूनेट्स जो कि सेमी सर्कुलर हैं और ट्राइंगल्स, ये सारे कुछ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिस में आते हैं. और नॉन ज्योमेट्रिक में वही छोटे ब्लेड्स, वो कोई भी शेप के हो सकते हैं, पॉइंटेड हो सकते हैं, बैक ब्लेड हो सकते हैं. तो दीज आर द नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिस. तो इस तरह के दो टूल्स पाए गए, और एनग्रेव्ड पेबल्स, कुछ स्टोन पाए गए जिसमें कुछ पेंटिंग डॉट्स
या लाइंस के रूप में कुछ वर्क किया गया था, तो इस तरह पेबल्स पाए गए। ठीक है, तो ये हो गया एजिलियन ट्रेडिशन। और यहाँ पर रेंडियर्स क्योंकि मूव कर गए तो स्मॉल गेम हंटिंग, यहाँ पर भी फिशिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। और टार्डिनोइजियन जो ट्रेडिशन है, नेक्स्ट इज द टार्डिनोइजियन ट्रेडिशन, और सेकेंड ट्रेडिशन है टार्डिनोइजियन, टार्डिनोइजियन। ओके, एंड टार्डिनोइजियन ट्रेडिशन का जो साइट है दैट इज ला फेरे इन टार्डिनोइस, एंड हियर ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स आर फाउंड, मीन्स इन कंपेरिजन टू नॉन ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक आर मेनी इन नंबर इन टार्डिनोइजियन ट्रेडिशन, एंड इट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्थ फ्रांस एंड साउथ वेस्ट फ्रांस, एंड द टाइम पीरियड इज सेम सेम ऑफ एजिलियन, लाइक मीन्स ये कोइवल कह सकते हैं, एजिलियन और ये दोनों एक साथ थे, पहले ट्रेडिशन कह सकते हैं, दैट इज 10,500 ईयर्स है वो। ओके, एंड लार्ज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स पाए गए, माइक्रोलिथ्स और पॉइंटेड टूल्स, ब्यूरिन्स, दीज आर द मेन टाइप ऑफ टूल्स विच आर फाउंड फ्रॉम दिस टार्डिनोइजियन ट्रेडिशन। और हारपून्स और पेंटेड पेबल्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जो अभी मैंने एसिलियन में बताया कि यहाँ पर हारपून्स और पेंटेड पेबल्स मिले जिसमें कि कुछ आर्ट वर्क किया गया था, लेकिन यहाँ पर नो पेबल्स, इस तरह के आर्टिस्टिक पेबल्स नहीं यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक पेबल्स नहीं मिलते हैं और हारपून्स नहीं मिलता है। ओके, तो ये है टार्डिनोइजियन ट्रेडिशन। देन थर्ड आता है मैग्लिमोइजियन ट्रेडिशन, और मैग्लिमोइजियन ट्रेडिशन स्टार्ट होता है अराउंड 36,800 ईयर्स है वो, और ये इसका जो साइट मीन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इन डेनमार्क, और ये साइट इज मैग्लिमोइजे, एंड द एविडेंसेस आर पिग्मी एंड स्क्रैपर्स, मीन स्मॉल काइंड ऑफ एंड स्क्रैपर्स, बैक प्लेट, नाइफ, पीक, सेवरल माइक्रोलिस एक्सेप्ट ट्रेपीजेस, यहाँ पर ट्रेपीज नहीं मिलता, मीन्स अदर ज्योमेट्रिक माइक्रोलिस आर फाउंड बट ट्रेपीज काइंड ऑफ माइक्रोलिस इज नॉट फाउंड। ट्रेपीज जैसा कि मैंने बताया था कि दो पैरेलल बॉर्डर्स होते हैं और ये ट्रेपीज कहलाता है, मीन्स टू पैरेलल बॉर्डर्स, तो ये स्मॉल माइक्रोलिस होता है, तो ट्रेपीज यहाँ पर नहीं मिलता है आपको मैग्लिमोइस में। एंड नॉन लिथिक कंपोनेंट जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ सिंगल बार्ब हारपून्स आते हैं, ये बोन से बने हुए हारपून्स है, फिश हुक्स है, आई नीडल्स है, वैरायटी ऑफ अदर एंटलर पीसेस विद स्टोन हाफ्टेड ऑन देम एजेस, दीज आर द टूल्स विच आर फाउंड ऑन इन मैग्लिमोइजियन ट्रेडिशन। देन नेक्स्ट ट्रेडिशन इज किचन मिडन ट्रेडिशन, यहाँ पर ह्यूज शेल हीप्स फाउंड विच लुक्स लाइक द वेस्ट ऑफ किचन, मीन्स मिडन जो वर्ड है वो अमेरिकन टर्म में इसको माना जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, हीप्स मीन्स किसी चीज का ढेर, कचड़े का, इस तरह का कुछ दिखाई देता है, जैसे कि अक्सर हम किचन में वेस्ट निकालते हैं काम करने के बाद, तो वो किचन वेस्ट की तरह, इट लुक लाइक किचन वेस्ट, तो ह्यूज शेल हीप्स जो वहां पर मिले किचन मिडन ट्रेडिशन में, उन्हीं को जो है यहाँ पर, क्योंकि उनका ऐसा अपीयरेंस था, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज किचन मिडन ट्रेडिशन। एंड रिफ्यूज हीप लेफ्ट बाय प्रीहिस्टोरिक सेटलमेंट, मोर स्पेसिफिकली अ डिपॉजिट कंसिस्टिंग प्राइमरी और डिस्कार्डेड शेल and related cultural material in coastal environments. And this kitchen midden was first studied in 1848 in Denmark, and middens are important term of ecological and cultural information. तो middens जो होते हैं, ये जो shell heaps होते हैं या इस तरह के मतलब huge shell heaps, उसमें हमको तमाम ऐसी cultural items मिलते हैं जिससे वहाँ की climate के बारे में, वहाँ के culture कैसा था, ये पता चलता है। तो ये किचन मिडन ट्रेडिशन जो कि डेनमार्क से डिस्कवर किया गया, और इट इज सेम एज मैग्लिमोइजियन, एंड द टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम, दैट इज 6,800 ईयर्स अगो, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स लाइक ट्रेपीजेस, ल्यूनेट्स यहाँ पर मिलते हैं, मैग्लिमोइज में हमको ट्रेपीज नहीं मिलता, बट हियर ल्यूनेट्स, ट्रेपीजेस ऑल आर फाउंड, एक्सेस आर फाउंड अनलाइक एजेस इन मैग्लिमोइजियन। तो एज यहाँ पर टूल मिलता है ADG इन JD, जो कि क्लियरिंग फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो है मैग्लिमोइजियन में एज है, पर यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर आपको किचन मिडन ट्रेडिशन में हारपून्स एंड बोन पॉइंट्स आर आल्सो एब्सेंट,
तो हारपोन्स और बोन पॉइंट्स एब्सेंट हैं, इल मेड इल फायर्ड पॉटरी के प्रमाण मिलते हैं हमको यहाँ पर, एंड लार्ज नंबर ऑफ एंटलर टूल्स मीन बोन टूल्स मिलते हैं। तो पॉटरी यहाँ पर इन्वेंट हो गई, ये शो करता है किचन मेड एंड ट्रेडिशन, बट बिकॉज इट इज इन क्रूड फॉर्म यहाँ पर उन्होंने शुरुआत किया इल मेड और इल फायर्ड पॉटरी, यहाँ पर आपको प्रमाण किचन मेड से मिलते हैं। आर्ट बोले ट्रेडिशन है, यहाँ पर भी हमको पॉटरी के प्रमाण मिलते हैं और एक 45 सेंटीमीटर अर्दन पॉट मिलता है। ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन की, आर्ट बोले की जो एविडेंस है दैट इज 45 सेंटीमीटर हाई अर्दन पॉट जो कि प्रिपेयर किया गया कोल्ड क्वाइल टेक्निक से विद द फिंगर प्रेस डेकोरेशंस एट द रिम। तो ये इस ये बिग एविडेंस है फ्रॉम आर्ट बोले, या कैरेक्टरिस्टिक एविडेंस कह सकते हैं। और यहाँ पर भी टूल्स गार्बेज हीप्स से ही मिले किचन मेडन, कई बुक्स में आपको किचन मेडन और आर्ट बोले एक ही ट्रेडिशन बताएगा, बोथ आर सेम, साइट इज डिफरेंट। आर्ट बोले डेन मीन्स एक केव, वहां से विलेज आर्ट बोले में केव साइट से ये मिला है आर्ट बोले। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है साउदर्न स्कैंडिनेविया, लिम्फ्सडन इन डेनिश डेनमार्क, जूटलैंड डेनमार्क, टाइम पीरियड सेम एज मैग्लिमोजियन एंड द एविडेंसेस आर गार्बेज हीप्स एंड किचन मेडन मीन्स टूल्स आर फाउंड फ्रॉम दिस गार्बेज हीप्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंड इज 45 सेंटीमीटर हायर देन पॉट एंड देन अदर जो टूल्स मिले हैं उसमें माइक्रोलिस और जैसा कि पहले भी दूसरे ट्रेडिशन से हमें मिले वो सभी सेम है। और नेपर वैली और क्रीमिया जो सोवियत यूनियन के साइट्स हैं जो कि मिडिल पैलथिक अपर पैलथिक में साइट्स हैं, वो जो कल्चरल मटेरियल जो उनमें थे मीन्स जो भी उस समय के टूल्स थे ब्लेड टूल्स स्क्रैपर्स बोरस फ्यूरिंग्स, वही कल्चरल मटेरियल्स हमको आर्ट बोले में भी कुछ सेम वैसे ही मिलते हैं। तो माना जाता है कि ये जो रशिया या प्रूशिया से के रूट से यहाँ पर आर्ट बोले में ये सारे कल्चरल मटेरियल्स या इस तरह का डिफ्यूजन हुआ ऊपर ट्रेड्स का ऐसा माना जाता है बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टूल्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलर ट्रेड्स फाउंड ऑन द कल्चरल मटेरियल्स इन बोथ द प्लेसेस। तो इस तरह आर्ट बोले जो डेनमार्क में है वो जो है उससे ट्रेडिशंस की सिमिलैरिटी देखी जाती है। देन अदर लोकल ट्रेडिशंस फ्रॉम यूरोप, एस्टूरियन सोवेटरियन लार्नियन एंड कैंपिगनियन, जो दूसरे और लोकल ट्रेडिशंस हैं, एस्टूरियन है दैट इज दैट सक्सीडेड एजिलियन ट्रेडिशन, एजिलियन के बाद एस्टूरियन ट्रेडिशन जो है मिलता है और ये एटिपिक मीजोलिथिक ट्रेडिशन है बिकॉज यहाँ पर जो हमको टूल्स मिलते हैं वो मीडियम टू बिग साइज पेपल्स मिलते हैं ब्यूरिड इन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सेसिल्स। तो यहाँ पर भी किचन मिडन जैसा ही गार्बेज हीप्स हैं और उससे हमको सेसिल्स के ह्यूज डिपॉजिट से कुछ पेबल स्टोन्स मिलते हैं और जो कि मीजोलिथिक कल्चर से मेल नहीं खाते, मीन्स इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपर पैलथिक जैसे हैं। तो ये एपिपैलेथिक ट्रेडिशन है दैट हैज सम सिमिलरिटी ऑफ द अपर पैलथिक कल्चर, यहाँ पर आपको एंड स्क्रैपर्स और बोरर्स फ्यूरेंस इस तरह के टूल्स मिलते हैं। तो टाइम पीरियड इसका ये एजिलियन के बाद ही है, तो 10,600 के बाद अराउंड 7,000 और 6,800 ये ट्रेडिशन है। देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कैंटेबरियन कोस्ट ऑफ स्पेन एंड नॉर्थ पुर्तगाल, पुर्तगाल और स्पेन में ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एंड बोथ केव साइट्स एंड ओपन कोस्ट लैंड्स में यहाँ पर मिलता है एंड द एविडेंसेस आर बिग टू इस मीडियम साइज पेबल्स जो कि यहाँ पर होता है एंड स्क्रैपर्स विद यूनिस्पेशियल प्लेकिंग। तो एंड स्क्रैपर्स पे मोस्टली बायोफेशियल प्लेकिंग होती है पर यहाँ पर यूनिफेशियल प्लेकिंग के साथ, जैसा कि जो कोर टूल में देखते हैं आप चॉपर, चॉपर यूनिफेशियल एंड स्क्रैपर होता है तो वैसा काइंड ऑफ टूल यहाँ पर मिलता है। तो इसीलिए ये एटिपिकल मीजोलिथिक ट्रेडिशन कहा जाता है क्योंकि मीजोलिथिक से इसकी सिमिलरिटी नहीं है। देन सोवेटरियन ट्रेडिशन आता है, इट इज अराउंड 8,000 इयर्स अगो एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन साउथ फ्रांस आल्सो स्प्रेड टू इंग्लैंड बेल्जियम एंड हॉलैंड एंड जो है साइट इज सोवेट्रे ला लेमेंसे
ये प्रांजल क्वाइल टेक्निक। अच्छा, ये पॉटरी बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक। एविडेंसेस नॉज ब्लेड, ट्रंकेटेड ब्लेड्स, ट्रायंगुलर पॉइंट्स, लूनेट्स, ट्रेपीजेस, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स एटसेट्रा। तो इस तरह ये सारे टूल्स जो कि हम अभी तक पहले भी ट्रेडिशंस में देखे कि जो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिस एंड नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिस एंड नॉज्ड एंड ट्रंकेटेड ब्लेड जो कि अपर पैराथिक में भी मिलते हैं और मीजोलिथिक कल्चर में भी माइक्रोलिथिक ब्लेड्स के रूप में मिलते हैं। तो दीज आर द वेरियस टूल्स विच आर फाउंड फ्रॉम सोमेट्रियन ट्रेडिशन। देन लार्नियन ट्रेडिशन आता है, टाइम पीरियड तो इसका एग्जैक्ट नहीं मालूम है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्थ आयरलैंड एंड साइट इज लार्ने, लार्ने साइट के नाम पर। तो मोस्ट ऑफ द साइट में आप देखेंगे कि जो उनकी साइट है, मीन्स जो ट्रेडिशंस है, वो साइट्स के नाम पर ही रखे जाते हैं। तो लार्ने है तो लार्नियन ट्रेडिशन हो गया। एविडेंसेस जो है बेसिकली अपर पैलिथिक ट्रेडिशन विद टूल्स लाइक बैग प्लेट्स एंड स्क्रैपर्स, यूरिन्स, बोरर्स, पॉइंट्स। तो ये सारे टूल्स लगभग सेम ही है अपर पैलिथिक ट्रेडिशन जैसे ही यहाँ पर टूल्स हैं। और हैवी टूल्स लाइक चॉपर, चॉपिंग टूल्स, पिक्स, दीज आर ऑल्सो फाउंड। एंड देन नेक्स्ट इज कंपेनियन ट्रेडिशन एंड चैंपियन ट्रेडिशन। चैंपियन ट्रेडिशन में टाइम पीरियड 6000 to 4000 नॉर्थ यूरोप एंड एविडेंसेस आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज पिट ड्वेलिंग। तो यहाँ पर जो पिट ड्वेलिंग मीन्स हैबिटेशन स्ट्रक्चर के आपको जो है प्रमाण मिलते हैं जो कि पिट ड्वेलिंग मीन्स होल्स, जमीन पर होल कर दिया जाता है मिट्टी खोद कर और वहां पर वो रहते थे, मीन्स उन पिट्स पर रहते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है पिट ड्वेलिंग का चैंपियन ट्रेडिशन में। और दूसरे जो टूल्स हैं वो एक्सेस हैं, ऑल्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, ब्लेड पिक्स हैं, दीज आर आल्सो फाउंड। तो पिट ड्वेलिंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चैंपियन ट्रेडिशन। देन कम्स द नटुफियन कल्चर। नटुफियन कल्चर ये एक अपी पैलोथिक कल्चर है और आप इसको मीजोलिथिक कल्चर में भी देख सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एपिपैलिथिक कल्चर आर सेम एंड दे आर पार्ट ऑफ मीजोलिथिक कल्चर। तो वो इसमें नेटोफियन कल्चर आता है एंड नेटोफियन कल्चर वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डोरथी गैरेट। तो डोरथी गैरेट के द्वारा यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया ड्यूरिंग हर एक्सकेवेशंस ऑफ शुकबा केव। शुकबा केव जो कि जुडाइन हिल्स इन द वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, ये जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है दैट इज लिवांट। लिवांट में ही ये नेटुफियन कल्चर पाया गया और ये लिवांट आज जो प्रेजेंट में इजराइल, लेबनान एंड सीरिया में मिलता है। तो ये लिवांट जो पूरा कल्चरल एरिया था दैट इज पार्ट ऑफ प्रेजेंट इस इजराइल, लेबनान एंड सीरिया। और इस पूरे एरिया में मीन्स इस पूरे जो लैंड एरिया में ये नटुफियन कल्चर उस समय पाया जाता था। ये नटुफियन कल्चर का जो टाइम पीरियड है दैट इज 15,000 to 11,000 ईयर्स अगो। इट इज एन एपिपैलिथिक कल्चर मीन्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ अपर पैलिथिक, लेट अपर पैलिथिक एंड मीजोलिथिक कल्चर। दिस मीन्स कल्चर वॉज इमर्ज। तो ये कल्चर इमर्ज हुआ और इसमें तमाम साइट्स हैं, सुकबा केव है, वादी एंड नाटुफ, इसी के नाम पे नाटुफियन कल्चर पड़ा है, वादी एंड नाटुफ के नाम पर। देन एंड मलाहा इज अनदर केव साइट एंड गीव टेल अबू हुरैया। तो दीज आर द वेरियस साइट्स फाउंड ऑन द नाटुफियन कल्चर। देन सब पीरियड्स इसको नाटुफियन को दो में डिवाइड किया गया, अर्ली नाटुफियन एंड लेट नाटुफियन। अर्ली नटुफियन 12 to 8000, 10,800 BC माना जा सकता है और जैसा कि यहाँ पर एज दिखाई गई 15,000, तो ये आप यहाँ पर 15,000 / 12,000 भी रख सकते हैं। तो 15,000, 12,000 से स्टार्ट हुआ होगा और ये अराउंड 10,800 ये एंड हुआ अर्ली नटुफियन। देन लेट नटुफियन आता है 10,800 to 9,500 और फिर इस तरह यहाँ पर भी आप 9,500 BC कर सकते हैं कि इसका जो एंड हुआ। तो क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होती है, एविडेंसेस के आधार पर ये वैरी कर जाता है। तमाम बार जो टाइम पीरियड होता है किसी भी कल्चर ट्रेडिशन का वो एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है।
तो अर्ली नोटोफियन एंड लेट नोटोफियन ये दो पीरियड्स थे, और ये दो में डिवाइड इसलिए किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल मटेरियल्स, क्योंकि जो अर्ली स्टेजेस में जो आपको कल्चरल मटेरियल्स मिलते हैं, हो सकता है वो जो प्योर नोटोफियन के करेक्टरिस्टिक्स है वो ना मिले और वो मैच करते हो लोअर मीन्स लेट अपर पैलोथिक से. लेट नेटोफियन में प्योर आपको नेटोफियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं कि अर्ली नियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक मिल सकते हैं, बिकॉज यही सक्सीड करके आगे नियोलिथिक कल्चर में आगे ये डेवलप करता है नेटोफियन कल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो इन्हीं एरियाज में हुई थी. जो नेटोफियन कल्चर का लिवांट एरिया है यहीं पर एग्रीकल्चर की शुरुआत पहले जेरिको जार्मो साइट्स में हुई थी, तो इसलिए नेटोफियन कल्चर ही इवॉल्व करके एग्रीकल्चर स्टेज में. तो लेट नेटोफियन में आपको एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिल सकते हैं, अर्ली नेटोफियन में अपर पैलोथिक या मीजोलिथिक के कल्चर के प्रमाण मिलते हैं. तो यहाँ पर जो कल्चरल इकोनॉमी है दैट इज हंटिंग गैदरिंग लार्ज मैमल एंड फिशिंग बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पर है, और सिस्टमैटिक फूड कलेक्टर्स, दे वेर सिस्टमैटिक फूड कलेक्टर्स, दे कलेक्टेड वाइल्ड ग्रेन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, मीन्स जो वाइल्ड ग्रेन्स होती थी उसी को वो कलेक्ट करते थे और एज ए फूड यूज करते थे, एंड दे वेर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट बिकॉज इट इज द कल्चर बिफोर एग्रीकल्चर स्टार्टेड, दैट इज वाई दे वेर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट. एंड हट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नेटोफियन कल्चर में मिलेंगे. तो ये इस कल्चर की खासियत क्या है कि यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं, मीन्स पहला डॉग जो डोमेस्टिकेट किया गया था, पहला एनिमल, द फर्स्ट एनिमल विच वॉज डोमेस्टिकेटेड वॉज डॉग, ये मिलता है प्रमाण. दूसरा जो बड़ा प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर आपको हैबिटेशन के प्रमाण मिलते हैं, मीन्स हट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा एक जैसे कि एक विलेज की तरह उन्होंने डेवलप किया था, ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है. लेकिन क्योंकि अर्ली टेक्नोलॉजी थी तो इसलिए उन्होंने लीव्स स्टेम से ही अपने हट्स को बनाया था. कई बार यहाँ पर बास्केट्स के भी प्रमाण मिलते हैं कि वो कुछ रखने के लिए मीन जो फूड आइटम्स को वो कलेक्ट करते थे वो कुछ लीव्स के ही बास्केट बना लेते थे, जैसा कि अभी भी हमको लीव्स या दूसरे आइटम से बास्केट्स मिलती हैं कुछ ट्राइबल एरियाज में, तो वैसा ही कुछ वो भी बनाते थे फॉर कलेक्टिंग फूड आइटम्स और उसको रखने के लिए वो इस तरह की चीजें बनाते थे. हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाया और विद सर्कल ऑफ स्टोन्स फॉर फाउंडेशन, मीन्स नीचे बेस में वो स्टोन को एज ए मीन्स सर्कुलर फॉर्म में रख लेते थे और उसी के ऊपर वो हट को क्रिएट करते थे. और जो वहां पर मीन्स बरियल प्रैक्टिसेस मींस डेड को वो अपने बरी करते थे ग्रे गुड्स के साथ, जो कि आपको वही मिडिल पैलिथिक से ही बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी वो तो आपको पता ही है. तो इस तरह यहाँ पर मींस इसके भी प्रमाण मिलते हैं. और स्टोन टूल अफ्रीका के जो स्टोन टूल कल्चर है उससे थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलैरिटी शो करता है, क्यों और जो इस वजह से माना जाता है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने माना कि शायद वो अफ्रीकन्स ही रहे होंगे या उन्होंने अफ्रीकन्स के साथ ट्रेड किया होगा और उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे, दैट इज वाई सिमिलर काइंड ऑफ टूल्स स्टोन टूल्स आर फाउंड इन नेटोफियन कल्चर एज द सेम एज फाउंड इन अफ्रीकन स्टोन एज. तो अफ्रीकन स्टोन एज में जो कल्चर है मीन टूल्स हैं, सेम टूल आपको नेटोफियन कल्चर में भी मिलते हैं. और इसका रीजन मीन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये बताया कि या तो वो अफ्रीकन्स ही रहे होंगे जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए होंगे लिवांट में, और या तो उन्होंने ट्रेड किया होगा अफ्रीकन्स के साथ और इस वजह से उनमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेड दिखाई देती है. अब यहाँ पर जो मेन चेंज आया लाइफ स्टाइल में वो नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग जो पहली लाइफ थी, मींस अर्ली आपको पैलिथिक कल्चर में नोमैडिक हंटर गैदरर मिलेंगे जो कि घुमंतु होते थे, एक जगह पर रह नहीं सकते थे और उन्हें अपने फूड के लिए और हंटिंग के लिए दर दर भटकना पड़ता था. पर बाद में जब फिशिंग और बर्ड हंटिंग स्टाइल आई और वो फूड कलेक्टर सिस्टमैटिक फूड कलेक्टर्स के रूप में डेवलप हो गए, डिविजन ऑफ लेबर डेवलप हो गया कि मेल जो है वो हंटिंग करेंगे एंड फीमेल फूड कलेक्ट करेंगी और
देखेंगे, तो इस तरह सीडेंटरी लाइफ स्टाइल डेवलप हुए, एक जगह रहने लगे, हट बनाने लग गए, और धीरे धीरे फिर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, और इगेलिटेरियन सोसाइटी से हायरार्कियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा तो धीरे धीरे उसमें हायरार्की बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया। तो इस तरह नटूफियन कल्चर इज वेरी यूनिक मीजोलिथिक कल्चर मीन्स ट्रेडिशन ऑफ मीजोलिथिक कल्चर। एंड डॉग डोमेस्टिकेशन तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही है, और ये एविडेंसेस पहले मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम डॉग एविडेंसेस जो नटूफियन साइड से मिलते हैं वो एन मलाहा साइड से मिलते हैं जो कि इसराइल में है, एंड इज डेटेड बैक टू 12,000 BC, 12,000 ईयर से वो ये एन मलाहा साइट में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले डॉग डोमेस्टिकेट किया गया। एंड एल्डरली ह्यूमन रिमेन्स भी मिलते हैं 4 to 5 month ओल्ड पपी के साथ जो कि वहां पर बरी था, तो इस वजह से माना गया कि वहां पर उन्होंने डॉग को डोमेस्टिकेट किया होगा, क्योंकि फाइंडिंग्स ही हमको बताती है कि उस समय का कल्चर कैसा रहा होगा, उस समय के एनिमल्स कैसे रहे होंगे, फ्लोरा फाउना कैसा रहा होगा। तो इस तरह का जो बरी किया गया था ह्यूमन को 4 से 5 महीने के ओल्ड पपी के साथ, तो इसी से माना गया कि यहाँ पर डॉग डोमेस्टिकेट किए गए होंगे। और दूसरे नटूफियन साइट्स में एट द केव ऑफ हायोनिम humans were found buried with two canids. Canids जो canidae family dog की family ही होती है, और यहाँ पर भी dog like animals यहाँ पर मिले, wolves या ये fox hyena इस kind के animals यहाँ पर भी कुछ मिले, दो मिले। तो ये दो major evidences dog domestication के आपको Natufian culture से मिलते हैं। And significance क्या है, is supposed to be ancestor of Neolithic culture, because इसी के बाद Neolithic start हो जाता है, तो Natufians को Neolithic के ancestors माने जाते हैं। And they found a settlement at where Jericho, Philistine Israel में जो Jericho site है वहां पर जो है माना जाता है कि स्टार्ट हुआ सबसे पहले कल्टीवेशन, एंड विच मे देयर अबाउट बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड अर्बन एरिया ऑन द अर्थ। द कल्चर वाज अनयूजुअल दैट इन दैट इट सपोर्टेड अ सेडेंटरी और सेमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गई। और इट दिस नटूफियन कल्चर वाज फॉलोड बाय द अदर कल्चर्स लाइक कियामियन एंड शेफर्ड नियोलिथिक। तो इस तरह नियोलिथिक कल्चर की शुरुआत हो जाती है आफ्टर नटूफियन कल्चर। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद। थैंक यू प्रांजल, थैंक यू दिनेश, थैंक यू अबू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। Meet you next class. Thank you.